जिला कांगड़ा में कोरोना के खतरे को लेकर लागू धारा 144 को लेकर लोगों में पनपी भ्रांतियों पर डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि धारा 144 जिला में केवल कोरोना संदिग्धों के लिए लागू की गई है। इस तरह की गतिविधियों की मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग भी की जा रही है। डीसी ने कहा कि धारा 144 को लेकर लोगों में जो भ्रांतियां हैं कि 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते और भीड़ एकत्रित नहीं हो सकती, ऐसा कोई भी प्रावधान इसमें नहीं है। जिला कांगड़ा में कोरोना के खतरे को लेकर लागू धारा 144 को लेकर लोगों में पनपी भ्रांतियों पर डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि धारा 144 जिला में केवल कोरोना संदिग्धों के लिए लागू की गई है। इस तरह की गतिविधियों की मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की जा रही है। डीसी ने कहा कि धारा 144 को लेकर लोगों में जो भ्रांतियां हैं, 5 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकते और भीड़ एकत्र नहीं हो सकती, ऐसा कुछ अधिसूचना में नहीं लिखा गया है, जबकि वास्तव में ये अधिसूचना कोरोना संदिग्धों के लिए जारी की गई है। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि विदेश से आ रहे पर्यटकों की आम को देखते हुए धारा 144 लागू करके ऐसे लोगों के लिए ऑर्डर निकाला गया है कि ऐसे लोग खुद आगे आकर अपना चेकअप करवाएं। यदि विदेशी पर्यटक ऐसा नहीं करते हैं तो वो आईपीसी की धारा 144 की उल्लंघना होगी तथा ऐसे पर्यटकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 270 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला कांगड़ा में 18 लाख की आबादी है, ऐसे में हर किसी के पीछे जाना मुश्किल है। ऐसे में लोगों की इस तरह की ट्रेवल हिस्ट्री है तो खुद चेकअप करवाएं। एहतियातन तौर जिला में आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए हैं तथा हर स्थिति पर मिनट टू मिनट मॉनिटर किया जा रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे विश्व में है और इसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत सारी एडवाइजरी जारी किए हैं, जिसमें खास करके कुछ जो हमारे पास फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है और जो कंट्रीज जो 12 कंट्रीज की लिस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आई हुई वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन जो उनकी इन्फॉर्मेशन अब हमारे तक नहीं पहुँच रही है। कई लोग हैं जो अनरजिस्टर्ड होटल्स और अनरजिस्टर्ड आपके जो होमस्टेज हैं वहाँ रुक रहे हैं और उनसे पूरे समाज को खतरा है, इसलिए धारा 144 में ऐसे प्रीमाइसिस के ऊपर ऐसे लोगों के ऊपर ये ऑर्डर निकाला गया है कि वो खुद स्वतः आकर अपना चेकअप कराएं और अगर जरूरत पड़े तो आइसोलेट करवाएं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर 144 की जो धारा हमने लगाई है उसकी उल्लंघना होगी और साथ में ही हम आईपीसी की जो सेक्शन हमारा 270 उसके तहत उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो अभी जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जिले में लगभग 18 लाख की पॉपुलेशन है, हर इंसान के पीछे जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम चाहते हैं कि स्वतः लोग खुद हमारे समक्ष आएं और अगर उनको इस तरह के इश्यूज हैं, ट्रेवल हिस्ट्री है, तो खुद चेक करवाएं, क्योंकि हमने जो एहतियाती कदम है जैसे आइसोलेशन वार्ड्स की फैसिलिटीज है वो हमने काफ़ी मात्रा में तैयार कर ली है। हमारे बहुत सारे सर्विलेंस ऑफिसर्स हैं जो फील्ड में हैं और हम डे टू डे बेसिस पे और मिनट टू मिनट बेसिस पे इनफैक्ट हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो मेरी लोगों से यही आग्रह है कि लोग स्वतः आएं और प्रशासन का सहयोग करें। देखिए, रोकने का जो कार्य है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्तर पे हो रहा है, वीजा को पोस्टपोन किया जा रहा है या बैन किया जा रहा है या जो भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो लोग इंडिया में आ चुके हैं और वो हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं तो वो जहाँ जहाँ रुक रहे हैं और जिस जिस मोड से ट्रैवल कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम ट्रैक करें। खास करके अगर वोल्वोस में आ रहे हैं तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन अब ली जा रही है, आप ट्रेन से आ रहे हैं या प्लेन से आ रहे हैं तो भी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, कहाँ रुक रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। खास करके जो रजिस्टर्ड होटल्स और होम स्टेज हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास पिछले 15 दिनों से आ रही है, लेकिन एहतियाती तौर पर 144 सेक्शन इसीलिए लगाया गया कि ऐसे जो फॉरेन टूरिस्ट हैं जो आकर कहीं और जगह पर रह रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आ पा रही है तो उनके लिए भी हमने फिर इस तरह के जो कदम है उठाने जरूरी समझे। बिल्कुल, मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी किसी प्रकार की गैदरिंग को बैन नहीं किया गया है, एडवाइस जारी की गई है कि स्वतः ऐसा ना करें। कोई भी जो ट्रेवल का मोड है, चाहे बस से आ रहे हैं ट्रेन से आ रहे हैं, इस पर कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। जिनकी शादियां हो रही हैं इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, मंदिरों में लोग आ रहे हैं इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, गैदरिंग को लेकर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। जो धारा 144 है एक बहुत वाइड सेक्शन होती है और उसमें उसकी जो जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि कुछ हमारे लोग जो सस्पेक्ट्स थे, जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, वो आकर कुछ ऐसी अनरजिस्टर्ड जगहों पे रह रहे थे जिनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आ पा रही थी। ये सिर्फ और सिर्फ जो कोरोना के संदिग्ध लोग हैं उनके लिए हमने लगाई है धारा 144।